साजन लोपो ते परमजीत सिंह बुरज कलारा पेश करते हैं। गुरु रूप गुरु संगत जी आज्ञा दो चरणा ते लाओ रचना पवित्र करिए गज के आपो की वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असीं तुहाडे चरण कमलां विच चंद क मिंटां पौंटा साहब की रचना जिदा पंगाई का युद्ध करना पिया शहनशाह बारे थोड़िया जी विचार करा गे। अजय महाराज जी 13-14 साल के श्री दसवें सतगुरु वाणी राजा भीम चंद आया उन्हें दर्शन किया जब उन्हें प्रशासी हाथी देखा चंदन की चौंकी और पश्मीने की चांदनी पंचकला शास्त्र उसके मन में बेईमाना जाग पाया कि गुरु की करूंगा भंग के लै जाइया फिर सापर आगे उसने लड़के का अजमेर चंद होना सी साख भीम चंद ने कहता महाराज मेरे लड़के को रिश्ता होना या पंजे चीजा मैनू दे दो अठ बदेर दसवें गुरु कहते तेरे हिरदे की जाएगी तो मेरे च भी यह चीज तेनों नहीं मिलेगी। छल पड़ गया घर आया उन्हें आप सब राजे कट्ठे किए केसरी चंद हरी चंद भैया कल का जवाक है राजा को तंग करता है आनंदपुर साहब को जान दो तैयारी करते रहे। इधरों मेदनी प्रकाश नाहन का राजा आया उन्हें सतोरन बेनती की सच्चे पातशाह राजे करिए जंग तुसी एक कृपा करो मेरी आस्त निहान नाहन विच चलो किथे कहो भाजा में किला मामा का मैं तुहाडा सेवक रहांगा। सतगुरां ने संगत ने यह गल मन के लिया के उन्होंने सतगुरां की संगत को जमुना के किनारे से पौंटा साहब की रंगना नची ये राजे मच उठे राजे आगे उजाड़ना आनंदपुर तो सी उन्हें पौंटा साहब भी बसा लिया 3-4 साल होके कामर भी बंद हो गई छावे वाले पीर बुद्धू शाह ने 500 पठान भी भर्ती कराता जंग का सिलसिला किया छेड़िए कुदरती गल बन गई राजे भीम चंद के पुत्र अजमेर चंद की जन्म बरात भी तैयारी होगी। ऋषिकेश के कोले करवाड़ का राजा सी फतेह शाह ओदी पुत्री का साथ होया सी ये राजे कहते गल बन गई 8 राजा ने फौज इकट्ठी कर ली भाई जन का बनाओ बहाना जाते हुए तो लंघ जाके रास्ता पौंटा साहब के नेड़े हो पैंदा सी मुड़ते हुए पौंटा साहब उजाड़ांगे ते फिर आनंदपुर बर्बाद करांगे गद्दी नूं ऐसी राजिआं दी सकीम। जब बरात चढ़ के नेड़े आई पौंटा साहब दे राजा हरिचंद कहता है राजे 500 का पठान है गुरु को जल्दी 2500 रुख का युद्ध है 3000 फौज है कि आप नकले ना दिते युद्ध लग गया वो आते पहला गुरु को पुछो भी नंग दिए चादर दास वजीर भजया महाराज को बेनती की सच्चे बादशाह अजमेर चंद की बरात आ रही है तुहानू कोई इतराजता नहीं लो इतों कविता सुनो वीरा जी करकी बारे गुरु कहते राजे तुहाडा ही राजा मुड़ते हुए जंग लड़ूंगा जाते हुए लाओ जंग एक कदम नहीं अगे रखन देवे चंगी चाचे जिच मैदान से जड़ी करती खत्म फलाद जिन्हें दर्शन बदे रोते लंका सोने की दिती सार कदम सोच के रखियो करकी बारे गुरु है शरण पहन खून में निहारते पार से निहारते
ਬੋਲਿਆ ਜਾਮਨ
ਪਠਾਣੀ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਹਾਲ ਦੱਸੀਏ ਪਠਾਣੀ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸੀ ਤੇਰੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸੀ ਮਾਰੇ ਖੇਤ ਖੇਤ ਜਾਲ ਮਾਰੇ ਤੀਰ ਸੀ ਕਦੀ ਪੱਕ ਚੱਲੇ ਕੱਪ ਤੇ ਬਹੀਰ ਸੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਹਰਨ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਫਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਉਹਨੇ ਫਟੜੇ ਉਹਨੇ ਫਟੜੇ ਨੇ ਲਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫੱਕੀਆਂ ਉਹਨੇ ਫਟੜੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਾਲ ਦਾਸ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੀ ਪਾਰੀ ਜਾਵੇ ਕੌਣ ਸੰਗਲ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਫੱਕਰਾ ਮੱਕੀ ਦੁਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਦਾ ਮੋੜ ਨੱਕ ਲਾਲ ਮਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਹਾਲ ਦੱਸੀਏ ਪਠਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਕੋਟਲੇ ਲੋਹਾ ਜੋ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏ ਪਰ ਫਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਮਾਰਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਜ ਮਾਰ ਦੇ ਨਿਆਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜ ਸੌ ਪਠਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪਠਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।